खास राज्य उसका नाम है गुजरात के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल उसके जो प्रमुख है अमित मालवीय जी, पहले वो तिथि का घोषणा करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग घोषणा करता है। वो भी तब घोषणा होता है जब सरकार में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आदरणीय मोदी जी पानी में जहाज चलाते और उड़ाते भी हैं पानी से, उस कार्यक्रम के बाद होता है। कल भी हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात जहां एक साथ चुनाव होता है, वहां हिमाचल की तो घोषणा हो गई, क्योंकि चार दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां जाकर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करते हैं। वहां पर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं और निर्वाचन की तिथि घोषित हो जाती है, लेकिन गुजरात की नहीं होती, क्योंकि 27 साल शासन के बाद भी अभी भी शायद कुछ समय रह गया कि कुछ ऐसे ही स्टंट या नाटक करने पड़ेंगे गुजरात में आगामी कुछ दिनों में। उसके लिए गुजरात का चुनाव की घोषणा नहीं हुई। यह महत्संयोग नहीं है, यह अब एक पद्धति सा बन गया है कि जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग जानते थे, अब वो ईसीआई इलेक्शन चॉइस ऑफ इंडिविजुअल हो गया, मतलब व्यक्तिगत इच्छा के पूर्ति के लिए चुनाव होगा या नहीं होगा, और वो व्यक्तिगत इच्छा किनकी होगी वो सेवन रेस्पोर्ट्स तय करेगा या लोक कल्याणकारी कौन मार्ग है वो तय करेगा। ये गंभीर विषय है, आप लोग देख रहे होंगे जो क्षेत्रीय दल है उन दलों को किस प्रकार एक तरह से मिटाने का काम शुरू किया गया, अपनी सत्ता को बचाए और बनाए रखने के लिए स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उस दल को तोड़ा गया। उनका जो सिंबल है इलेक्शन सिंबल उसको फ्रीज किया गया। अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र में शिवसेना को भी तोड़ा गया, उनका भी सिंबल फ्रीज किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो मजबूत लोग हैं वो मजबूत रहे, उनकी ये चाहत है मजबूत लोग मजबूर हो जाए। ये इलेक्शन चॉइस ऑफ इंडिविजुअल की प्रथा जो शुरू हुई है ये बहुत ही खतरनाक है।
झारखंड जैसे छोटे राज्यों में जहां का टोपोलॉजी हिमाचल के बराबर का है, यहां 8 बार में निर्वाचन होता है, 8 राउंड में निर्वाचन होता है और हिमाचल में 1 बार। वो भी दुर्गम क्षेत्र है, हमारा भी दुर्गम क्षेत्र, लेकिन चूंकि यहां पर निर्वाचन यदि 8 बार होगा, जिसका लाभ सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह संपूर्ण स्ट्रेटेजी है। 2014 के बाद इस देश में देखा है कि राज्य के विधानसभा निर्वाचनों में यदि रांची जिला का निर्वाचन आज है और लोहरदगा का 3 दिन बाद है, तो प्रधानमंत्री जी लोहरदगा में आके जनसभा करते हैं ताकि रांची जिले को प्रभावित किया जा सके, क्योंकि दोनों जिला सटा हुआ है। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया और चुनाव आयोग इसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है, प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। हम लोगों ने भी चुनाव आयोग को कई शिकायतें भेजी, क्या मालूम क्या हो जाता है कि हमारे शिकायतों का संज्ञान तक नहीं लिया जाता। और एक आधार ही शिकायत पर संज्ञान भी लिया जाता है, कुछ पत्रचार भी किए जाते हैं, तथ्य मांगने से कहते हैं ये सरकारी गोपनीयता है और भारतीय जनता पार्टी के समय ये सरकारी आत्मीयता है, हमारे लिए गोपनीयता और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के लिए आत्मीयता। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति और हमको लगता है कि अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि यदि लोकतंत्र पर इस प्रकार का कुठाराघात होगा, यदि निर्वाचन की तिथि राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए की जाएगी,